बीइंग फैट एक बहुत बड़ी बीमारी है। ओए मोटे, जिसको ये बीमारी होती है उसको पता होता है कितना बड़ा मसला है, ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में जहाँ पे लोग आपको जीने नहीं देते। साईं, आपका पेट कहाँ जा रहा है इस वक्त? यार सेब भाई, आपका पीछे से माल तो काफी बाहर आ गया है, ये क्या चक्कर है? नॉट ओनली लोग आपको जीने नहीं देते, इट लीड्स टू मेजर मेंटल इश्यूज सच एज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है, यू डोंट फील गुड, कई लोग तो पागल भी हो जाते हैं जैसे ये भाई हैं हमारे। सो व्हाट डू यू डू अगर आपको टेंडेंसी का इशू है? खैर मेरे हिसाब से एक ही सोल्यूशन है, विच इज द कीटोजेनिक डाइट। यार कीटोजेनिक डाइट के बारे में मुझे पता चला अराउंड एक साल पहले मेरे दोस्त से, मेरा कॉलीग होता था। आई ट्राइड इट आउट फॉर लाइक 4 मंथ्स एंड आई लॉस्ट लाइक 16 किलोज और बिल्कुल माई बॉडी ट्रांसफॉर्म। इट्स अ नेक्स्ट लेवल डाइट यार, बहुत क्रेजी डाइट है। आखिर कीटो डाइट है क्या? बहुत सारे लोग इस बात पे कन्फ्यूज होते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है, अगर देखा जाए आपकी बॉडी एनर्जी बनाती है थ्रू शुगर एंड इंसुलिन। शुगर इंसुलिन आपके खाने में हर चीज़, जो भी आप खाते हो, जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्टार्च होता है, आपके चावल, आपकी रोटी, हर चीज़ में, जब वो आपके पेट में जाता है ना तो वो ब्रेकअप करके वो शुगर और इंसुलिन, उस शुगर और इंसुलिन से आपकी बॉडी बनाती है एनर्जी। कीटो डाइट में व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली वो शुगर और इंसुलिन इनटेक ख़त्म करवा, जिसका मतलब हुआ कि आपने अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म कर। सो जब आपकी बॉडी में यार ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो इंसान एनर्जी कहाँ से बनाएगा? दैट इज़ वेयर कीटो कम्स इन। योर बॉडी स्टार्ट्स मेकिंग एनर्जी थ्रू बर्निंग फैट एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर यू स्टार्ट लूजिंग वेट। द टफ पार्ट इज़ कि हमारी डेली इनटेक में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं खा सकते, जैसे दूध हो गया, जैसे फ्रूट्स हो गए, जैसे आपका रोज़ का जो हम दाल चावल हो गए, रोटी हो गई, पराठे हो गए, कांट हैव एनी ऑफ दीज। So that is the tough part. That is the sacrifice you have to make in order to lose weight. Just like things we do to lose weight. Khair, you're lucky enough ke Pakistan mein at least you have restaurants such as Flock, such as Butler, such as a lot of others. Jahan pe aisi cheeze hain jo ke you can have sweets at. Flock has its own sweet menu also, jisme cheesecake wagaira bhi hai unka, which is keto compliant. So you're pretty lucky in that sense. तो ये बात याद रखिएगा, जब बॉडी में इंसुलिन नहीं है, शुगर नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली एनर्जी बनाएगी थ्रू बर्निंग फैट और वहाँ पे गेन ऑन हो जाती है आपकी। अब सवाल ये है कि यार आप लोग खा क्या सकते हो इन कीटो? देखें, कीटो में यू कैन हैव चिकन, यू कैन हैव मीट, यू कैन हैव मटन, यू कैन हैव ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें गुड फैट में फ्राइड। बाई गुड फैट मीन्स जो ऑयल्स यूज़ होंगे उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इधर ऑलिव ऑयल यूज़ करें या कोकोनट ऑयल यूज़ करें, MCT ऑयल, या आप चर्बी में ही पकाएं खाना, यूज़ देसी घी, यूज़ बटर, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जिसमें खाना पका के बनाना है। एक अहम चीज़ ये है कि जो आपका डेली का इंटेक है उसको आप इस तरह डिवाइड करेंगे कि आपने अपने रोज़ की खुराक में 70% फैट खाना है, 25% प्रोटीन खाना है एंड 5% कार्बोहाइड्रेट खाना है। तो यू बेटर रिमेंबर दैट। फेसबुक पे देयर इज अ पेज कॉल्ड कीटोजेनिक डाइट पाकिस्तान, जिस पे यू हैव सो मच इन्फॉर्मेशन, यू हैव सो मच कंटेंट कि क्या बना सकते हैं, कीटोजेनिक मेन्यूज क्या हैं, किस तरह के खाने बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें उस पर अवेलेबल हैं। एंड देन यू हैव पीपल लाइक आमिर रेड्डी जो कि इज क्वालिफाइड इनफ टू बी ए कीटो डॉक्टर, इतनी तो उसकी नॉलेज है कीटो के बारे में एंड इज ऑलवेज देयर विलिंग टू हेल्प। सो ये है यार कीटो का सीन। एंड मेक श्योर यार यू डू योर रिसर्च। आपको नज़र आ रहा होगा कई चीज़ें जो मैंने यहाँ लिखी हैं, गूगल इट, थोड़ा ख़ुद भी हिल के कुछ सीख लें आप लोग और इसके बारे में ज़रूर पढ़ें। बाकी आई स्टार्ट माई सेकेंड कीटो ऑन 29th of April, एक हफ्ता होने वाला है। आई एम हैविंग कीटो बेस्ड आइस क्रीम फ्रॉम रेस्टोरेंट। I started at 98 kgs again this time, देखते हैं। और ऊपर से रमज़ान है और रमज़ान में कीटो इज अ चैलेंज, बट ओ हो जो वेट लॉस है रमज़ान में, दैट विल बी अमेजिंग। सो यार आई सिंसियरली होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट कीटो इज। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए जस्ट कमेंट ऑन द वीडियो एंड आई लेट यू नो व्हाट आई नो अबाउट कीटो, आई विल बी देयर फॉर यू गाइस टू हेल्प। सो
So see you guys soon and let's see where keto takes me this time.